पता है वो टेंसी का राघव मुझे आई लव यू बोल रहा था कि मालो ले जाएगा आइसक्रीम खिलाने। क्या सच? वो राघव? हाँ वही राघव। गर्ल्स सॉरी मैम। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? डोंट फॉरगेट यू आर स्टिल इन स्कूल। सॉरी मैम। इसे क्या पता लव शब के बारे में, इसने तो शादी भी नहीं की है। वेट, कहाँ जा रहे हो? मैम क्लास में ब्रेक खत्म होने वाली है। लव के बारे में बात कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। लव स्टोरी? लव स्टोरी? एक अलग किस्म की लव स्टोरी। रोहन और नैना की कहानी। चाय पी ले मेरे भाई। आप कहाँ सुनेगा? पांच बजते तेरी आके शिमला के बर्फ पे जैसे टूट जाती है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसा क्या देख लिया तूने उस अंधी लड़की में जो ना तुझे कभी देख सकती है, जो ना कभी तुझे पहचान सकती है? देख भाई, फीलिंग है, अब तो आ गई। अब फीलिंग को थोड़ी ना मालूम है कि वो बिचारी देख नहीं सकती। फीलिंग है भाई, आ गई तो आ गई। तो मेरे भाई, फीलिंग बतानी भी तो होती है। वो मेरी ना, आ गई तेरी मैडम। कैसे पता लगा लेती हैं आप? कौन सा जादू जानती हैं आप? आपको पता लग जाता है मैं आ गया? हेलो, आप मेरी आंखों पर बिल्कुल मत जाना। हाँ, आप जानते नहीं हैं जिन लोगों की आंखें नहीं होती ना, उनके पास महसूस करने की सुपर पावर होती है। और वैसे भी आप तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं, अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे ना तो रिच तक पता लग जाएगा कि आप आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, रोज इसी वक्त यहाँ पे मेरी मदद करने आ जाते हो, कुछ काम वाम करते हो या सिर्फ चैरिटी करते रहते हो? हेलो मैडम, मैं कोई एवे नहीं हूँ, ऑफ कोर्स काम करता हूँ। तो क्या काम करते हो? आई एम अ सिंगर। सिंगर? सिंगर? रियली? यप। अच्छा तो फिर मिस्टर सिंगर, एक गाना गा के बताओ। गाना? हाँ। अभी यहाँ पे? क्यों, क्या यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? और यू नीड अ स्टेज? अब नहीं, आई मीन ओके, आई विल ट्राई। बच्चों, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। अरे तुम हंस क्यों रही हो? तुम हंस क्यों रही हो? हंस क्यों रही हो तुम? वो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर सिंगर का ना हर गला खराब है। हाँ वो हो जाता है कभी कभी। हाँ। वो मैं आज सुबह उठा ना तो मैंने ना ठंडा पानी पी लिया, लेकिन अब मैं कल गला साफ करके आऊंगा और तुम्हें बढ़िया बढ़िया किशोर कुमार के गाने सुनाऊंगा। किशोर कुमार के? फेंको मत, कोई सिंगर विंगर नहीं लगते तुम। अरे क्यों, तुम म्यूजिशियन हो सकती हो लेकिन अब मैं सिंगर क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर सिंगर, मैं म्यूजिशियन अपने हालात की वजह से बनी हूँ। हम जैसे लोगों का जब कोई सहारा नहीं होता ना तो म्यूजिक ही हमारा सहारा होता है, क्योंकि उसी से हमें होप मिलती है कि हम अपनी जिंदगी अपने दम पे जी पाएंगे। वैसे तुम्हारे सिंगर बनने का क्या रीजन है? मैडम ज्यादा हंसो मत वरना गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा। हेलो, मुझे गोलगप्पे वैसे भी नहीं खाने। भाई गॉड, दुनिया की पहली लड़की है जो
जो गोलगप्पे खाने से मना कर रही है। भाई गॉड, तुमने आज तक कभी किसी अंधी लड़की को सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे खाते हुए देखा है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं खा सकती? मैं गोलगप्पे खाऊंगी या ये सब? चलो। कहाँ? और ना, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी नॉर्मल लड़की हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तो तुम नॉर्मल लड़की ही तो हो। अच्छा, नॉर्मल लड़की ऐसे इस सब के सहारे चलती है क्या? तो फेंक दो इसको और पकड़ लो मेरा हाथ। 24 घंटे पकड़ के रखोगे? 24 घंटे तो क्या, 24 जन्मों तक पकड़ के रखूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं, तुमने कुछ सुना क्या? क्या कहते हो, क्या बोलते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। आराम से। कभी तुम कहते हो कि कुछ कहना है और फिर कहते हो कि कुछ नहीं कहना, फिर कहते हो कि कल कहूंगा। एक काम करो, आज ना जो भी कहना है अभी इसी वक्त बोल दो, यहाँ पे बोलो ना। आज नहीं, अब आराम से कल बताऊंगा। फिर से कल? इतना सस्पेंस क्यों, बता भी दो। हो मिस्टर सिंगर, लो अब तो मेरा घर भी आ गया, अब तो बता दो। बोला ना आज नहीं कल बताऊंगा। सब कुछ कल ही बताओगे? कल कुछ स्पेशल है क्या? कुछ ऐसे ही समझ लो। वैसे मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुमने बताया? दादी बुला रही है, बाय। अरे अरे बताती तो जाओ। हेलो हेलो, बताती तो जाओ नैना। मैं भी कल ही बताऊंगी। शायद ये तेरा हो गया। नहीं बोला ना तुझे? मेरे भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने आज उसे नहीं बोला ना तो कल से मेरी दुकान पे मत आइयो। मेरे बाप, मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश नहीं, आज तुझे उसे बोलना ही पड़ेगा। मैं ले मेरे भाई, आ गई नैना, ये ले गुलाब का फूल। और वैसे भी लड़कियों को गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है। जा मेरे चीते, दिखा दे शिमला की हस्की।
आ गए तुम? हाँ मुझे मालूम है, मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता हूँ, स्टेशन पर भी खड़ा हूँगा तो तुम्हें मॉल रोड तक स्मेल आएगी। रोहन मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन कैसे? नैना तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ। क्या नैना तुम भी आओ। नहीं रोहन मैं सच बोल रही हूँ। आओ जल्दी आओ, तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं क्या टांग खींचने को? वैसे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ या सारी दुनिया? नहीं वही तो, बाकी सब तो वैसा ही है, बस तुम धुंधले धुंधले नजर आ रहे हो पता नहीं कैसे। अरे नैना म्यूजिशियन मैडम बस बहुत हो गया, और गोलगप्पे खाने हैं तो सीधा सीधा बोल दो, हाँ ये मस्का मारने की क्या जरूरत है? गोलगप्पे नहीं खाने मुझे। अच्छा तो बताओ क्या दिख रहा है? तुम्हारे सिर से खून कैसे आ रहा है? खून? नहीं 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 तो नहीं। मुझे लग रहा है मैं शायद ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं भी ना, खैर छोड़ो ये सब। अच्छा कल कुछ बताने वाले थे ना तुम मुझे? तुम्हारी घड़ी अभी तक वहीं अटकी हुई है ना? बॉय सेकंड, पहले तुम बताओ तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ है? कुछ बहुत सुना था, बॉय सेकंड आज सुन रही हूँ। ये तुम्हारा वाला वर्जन है? मेरा ओरिजिनल है। चलो बताओ क्या हुआ था तुम्हारी आंखों को? छोड़ो तुम्हें क्यों मेरी बोरिंग स्टोरी सुननी है? नैना म्यूजिशियन मैडम मुझे ना बोरिंग स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। चलो बताओ क्या हुआ था। ओके बताओ। मामा पापा के साथ मैं चंडीगढ़ जा रही थी, कोई वेडिंग अटेंड करने, 6 साल की थी। एक एक्सीडेंट हो गया और मम्मा पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और मेरी आंखें चली गई। बहुत मुश्किल से उसके बाद दादी ने ढूंढा था मुझे। बस इतना याद है कि दादी ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हर चीज़ का ध्यान रखा, मम्मा पापा की भी याद नहीं आने दी। लेकिन अब ना मेरी बारी है, इसीलिए मैंने म्यूजिक सीख लिया। उससे ना थोड़े से पैसे आ जाते हैं और मेरा और दादी का छोटा सा संसार बस अच्छे से चल पड़ता है। अब तुमने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया? ट्रीटमेंट? अरे बाप रे पूछना मत। एक बार गए थे, वो दादी लेके गई थी ना एक आंखों वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाएगा लेकिन 10 लाख रुपए लगेंगे। बापरे करो बात, मतलब 10 लाख कोई छोटी बात है? मतलब तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। अरे नैना नैना तो आंखें ठीक क्यों नहीं करवाई? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे 10 लाख, बापरे तुम्हें पता है कितने होते 10 लाख? नैना इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नैना मैं कराऊंगा ना, 10 नैना मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा नैना। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अली बाबा की गुफा तुम्हारे हाथ तो नहीं लगी है ना, जहाँ तुम खुल जा सिमसिम बोलोगे और वो सारे पैसे जेवर सब कुछ आ जाएगा। तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरे एक अंकल है, उनका एक ट्रस्ट है यहाँ शिमला में, मैं उनसे बात करूंगा तुम्हारे ऑपरेशन के लिए। नैना तुमने जितने सपने देखे है ना वो सारे सपने पूरे होंगे और तुम उन्हीं सपनों को पूरे होते हुए देखोगी इन्हीं आंखों से। मैं कह रहा हूँ मैं करवाऊंगा तुम्हारे सारे सपने पूरे। ये सपने पूरे करवाना छोड़ो, तुम कल मुझे कुछ बता रहे थे ना, अभी बताओ क्या बोल रहे थे? बताऊंगा नैना जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बताऊंगा, फिर कहूंगा तुमसे। मुझे
मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ, लेकिन जो भी है, मेरी इमेजिनेशन है या फिर वट एवर, यू आर हैंडसम। थैंक यू, आई नो आई एम हैंडसम। नैना बस अब मेरी टांग वांग खींचना बंद करो। कल 10 बजे दादी के साथ मुझे आई हॉस्पिटल मिलोगी, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से पूरी दुनिया दिखाऊंगा। मैं तो अभी भी दुनिया देख सकती हूँ, तुम हो ना मुझे दिखाने के लिए मेरे हैंडसम सिंगर। और वैसे भी सपने वो देखने चाहिए जो पूरे हो सके। नैना म्यूजिशियन मैडम, सपने कोई अपना दिखाता है ना तो उनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा घर भी आ गया। बाय नैना, कल सुबह 10 बजे आई हॉस्पिटल दादी के साथ। राज, डॉक्टर साहब। उठना। देख, तुझे उठना पड़ेगा। रोहन नैना के लिए उठ जा। रोहन नैना को सपने दिखाए हैं। रोहन नैना ने जिंदगी में एक बार फिर से दोबारा सपने देखे हैं। रोहन उठना, रोहन। मेरे पास वक्त नहीं है डॉक्टर साहब, किसी को वादा किया उसे पूरा करना। क्या तुझे लगता है कि वो आएगा? उसने मुझसे कहा था आता ही होगा। तूने कैसे एक अनजान आदमी पे भरोसा कर ले? क्या आजकल के जमाने में कोई मुफ्त में इलाज कराता है? शायद आप सही बोल रही हैं दादी, मैंने शायद उसके मजाक को सच समझ लिया। मेरे नसीब में शायद ये अंधेरा ही है। कोई बात नहीं,
चलिए हम चलते हैं। I'm so sorry. नैना जी, आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? जी जी हाँ, रोहन ने करवाया होगा दादी, देखा मैंने, बोला था ना आपको। हाँ प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। यहाँ बैठिए आप, प्लीज मेरे साथ आइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। अब हम तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलेंगे और फिर धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी भी किसी सपने से कम नहीं है ये सब मेरे लिए। ये सब रोहन की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। दादी दादी दादी, मैंने आपसे कहा था ना, रोहन मजाक नहीं कर रहा था, उसने सच में ये सब किया। ठीक है, कोई बात नहीं। दादी उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैं देख पाऊंगी। आ जाएगा तो रोहन भी आ जाएगा। दादी रोहन कहाँ है, मुझे उसे देखना है। रोहन अभी यहाँ पे नहीं, अभी आ जाएगा। रोहन रुक जाओ, वही रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये तुम ही हो ना रोहन। मैं सबसे पहले ना तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरी पट्टी खोलिए ना। अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना और बिना पलक झपकाए सामने की तरफ देखना, पर ध्यान रहे तुम्हें तेज रोशनी की तरफ एकदम से नहीं देखना है। मुझे रोशनी की तरफ देखना भी नहीं है, मैं सिर्फ रोहन का चेहरा देखना चाहती हूँ पहले। रोहन रोहन, आज तुमने अपना वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाया? रोहन हमेशा इतना कुछ बोलते रहते हो, कहाँ हो, ये रहे। रोहन थैंक यू सो मच। ये रोहन नहीं है, मैं रोहन के स्पर्श को पहचानती हूँ, ये रोहन नहीं है। रोहन रोहन कहाँ है? ये सब मेरी गलती। मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने आज उसे नहीं बोला ना तो कल से मेरी दुकान पे मत आइयो। ना कल मैंने उससे चोर चपस्ती किया होता और ना ही कल उसका एक्सीडेंट होता। ये ले गुलाब का फूल, जा मेरे चीते, दिखा दे शिमला की असली। जा रहे कौन है, क्यों रो रहे हैं ये? तो डॉक्टर आप रोहन को जानते हैं ना? आप जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं, मुझे कहा था उसने, आपको बताओ कहाँ है रोहन। अरे कोई तो मुझे बताओ, आप रोहन को जानते हैं, आपने रोहन का नाम लिया, आप उसे जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा। अरे वो कई बार ऐसा करता है कि फंस गया होगा। अपनी आंखों से तुम्हें दुनिया दिखा के हम सबको छोड़ के चला गया। नैना ये आंखें रोहन की हैं, उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम उसकी आंखों से दुनिया को देखो। प्लीज संभालो अपने आप, इन आंखों को उसकी आखिरी अमानत समझ के उनका ध्यान रखो। तुम मुझे नजर आ रहे हो पर ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। वैसे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूं या सारी दुनिया? मुझे उस दिन तुम्हारे सर से खून कैसे आ रहा है? खून इसीलिए नजर आ रहा था रोहन। मैंने देखा था रोहन को, रोहन रोहन, मैं सब
सबसे पहले सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहती थी दादी। नैना, तुमने जितने सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने पूरे होंगे और तुम उन्हीं सपनों को पूरे होते हुए देखोगी इन्हीं आंखों से, मैं कह रहा हूं। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा नैना। लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बताऊंगा। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की को तो आंखें मिल गई, लेकिन उन आंखों को देने वाला कहीं चला गया। कहां गया किसी को कुछ पता नहीं। मैं जानती हूं रोहन, तुम आज भी मेरे आसपास ही हो। मैं जानती हूं रोहन, तुम आज भी मेरे आसपास ही हो। तरसती है ये मेरी आंखें, एक बार तो सामने आ जाओ, कस के अपनी बाहों में मुझे तुम साथ में अपने ले जाओ। झूठा झूठा लगे ये सारा जहां, मुझको तेरे बिना नहीं जीना। तेरे जाने के बाद जिंदगी में मेरी अशकों के सिवा कुछ इरा नहीं। तेरे जाने के बाद जिंदगी में मेरी अशकों के सिवा कुछ इरा नहीं। ये महक तेरी इन हवाओं में मुझे हर पल हर दम आती है। जहाँ थी अपनी आखिरी मुलाकात, उस जगह पे मुझे ले जाती है। झूठा झूठा लगे ये सारा जहाँ, मुझको तेरे बिना नहीं जीना। तेरे जाने के बाद जिंदगी में मेरी अशकों के सिवा कुछ इरा नहीं। तेरे जाने के बाद जिंदगी में मेरी अशकों के सिवा कुछ इरा नहीं। ना तुम सब्जी ले लो, मैं आगे से फूल लेके आती हूँ। हाँ दादी, लेकिन जल्दी करना, देर हो रही है स्कूल के लिए मुझे। भैया आप ये, दादी 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 आप ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? आराम से आप ठीक हो ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? अरे ये कोई हाईवे नहीं है, सड़क है छोटी सी। अगर मेरी दादी को कुछ हो जाता। मैडम जी बीच में आ गई, मैं तो ब्रेक एकदम से मारनी पड़ी। ब्रेक लगा रहे थे? अरे कौन गाड़ी चलाता है ऐसे? अरे ऐसे
बातें कैसे कर सकते हैं आप? ऊपर से बहस कर रहे हैं। जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। आई एम सॉरी, मेरे ड्राइवर की वजह से आपको तकलीफ हुई। लाइए मैं मदद कर दूं। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ठीक हूं मैं। ये संगीत की जान है। जिस तरह जीवन में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, उसी तरह संगीत के साथ स्वर होते हैं। चलो अब रियाज करते हैं। नैना मैम, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। आप चलिए, मैं आती हूँ। थैंक यू। So, till then, all of you, just note down the sargam and less of noise, please. Aati hoon. She's the most suitable person for this responsibility. May I come in, ma'am? Come in, Naina. Meet Mr. Malhotra. Hi. How are you? I mean... Ji, aaj subah inse mulaqat hui thi meri. How are you? Naina. तुम्हें जरूरी काम देने के लिए बुलाया। इस बार हमारे एनुअल फंक्शन को बहुत स्पेशल बनाना है। ये हमारे फाउंडर को डेडिकेट करना है हमने। सो इट शुड बी रियली वंडरफुल फंक्शन। सो थिंक अबाउट एनी थीम फॉर दिस। मैम, मुझे लगता है उससे पहले हमें मिस्टर सिंघानिया को थोड़ा जानने की जरूरत है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में। उनकी पसंद नापसंद इस सब के बारे में पता होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ तो विशाल जी है ना, बताएंगे हमें। डोंट माइंड, बट मैम मैं नहीं बल्कि सिंघानिया जी खुद बताएंगे। पर सिंघानिया जी बताएंगे तो फिर सरप्राइज कैसा? डोंट माइंड, ललित सिंघानिया जी नहीं, उनके बेटे मिस्टर रोहित सिंघानिया, वो कल ही लंदन से आए हैं एंड ही मस्ट बी ऑन हिज वे, स्कूल ही आ रहे हैं। वन सेकंड। ओह आई थिंक ही इज हियर, सो एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट कम। मैम कौन है ये मिस्टर रोहित सिंघानिया? सुना है बचपन में ये लंदन चले गए और वहीं बड़े हुए हैं। Excuse me, Rathi ji. He is Rohit Singhania. Rohit, she is principal Rathi ji. Great feeling कि आप आए। बैठिए Rohit ji. Thank you so much. It's such a great feeling to have you here in our school. Thank you, ma'am. Good to see you too. जी काम ही कुछ ऐसा था। I hope विशाल ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। Don't mind. Yes, of course. बल्कि हिमाचल की चाय पीते-पीते मैंने राठी जी के साथ सब discussion कर लिया। Right. उन्होंने ये अपनी बेस्ट टीचर भी अपॉइंट किया हमें हेल्प करने के लिए। एंड शी इज सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम, डोंट माइंड। नैना जी, ऑफ कोर्स नैना जी। हेलो, रोहित सिंघानिया। नैना, से हेलो टू रोहित जी। हेलो, आर यू ऑल राइट? सर, नैना हमारी बेस्ट टीचर है और हर साल एनुअल फंक्शन यही ऑर्गेनाइज करती है। मैं मुझसे ये नहीं, सॉरी ये नहीं हो पाएगा। डोंट माइंड, बट मैम आई थिंक कि आज आपकी टीचर का मूड थोड़ा ज्यादा ही खराब है। रोहित जी, मैं एक मिनट में आई। या प्लीज। या Welcome to India. Naina, what is this behavior? What's wrong with you? Pata hai wo kaun hai?
की वजह से स्कूल चलता है, तुम्हें सैलरी मिलती है और तुमने ऐसा कैसे बिहेव किया उनके सामने नैना? चलो सॉरी बोलो उनको। मैम आई एम सॉरी, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सकती। पर क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मैम, प्लीज जस्ट कम इनसाइड एंड से सॉरी। रोहन, नैना, तुम यही तो चाहती थी ना कि रोहन वापस आ जाए, तो फिर जाओ मिलो उससे। तुम भाग क्यों आई? जाओ नैना, रोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ मिलो उससे। जाओ नैना, जाओ। I'm sorry, I think उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो चली गई। May I come in, ma'am? Yes. I'm sorry, ma'am. वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे, इसलिए ठीक से जवाब नहीं दे पाई। सॉरी। डोंट माइंड। अरे नैना जी, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार बच्चे जो हैं स्कूल में तंग कर देते हैं, सर दर्द वगैरह हो जाता है। बल्कि राठी जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने स्कूल में इतना परेशान कर देता था टीचर्स को कि उन्हें मेडिकल लीव पर जाना पड़ जाता था। क्यों? तो नैना, कल से आप रोहित जी को एनुअल फंक्शन के लिए असिस्ट करना शुरू कर दीजिए। डोंट माइंड, बट कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? अरे किसी ने कहा है ना, काल करे सो कभी मत कर। ओ बंदिया, जो कुछ करना है बस अभी से शुरू कर। वाह विशाल जी, वैसे किसने कहा ये? डोंट माइंड मैम, ये इनका ओरिजिनल है। ये तुम्हारा वाला वर्जन है? मेरा ओरिजिनल है। If you don't mind, ma'am, I wanted to explore the school. Look around, if you could help me with that. Yes, yes, why not? Naina le jayegi aapko. Sorted. Naina, Rohit ji ko school dikhaiye. Ma'am, main? Haan? Don't mind, kam se kam, hansi to sahi. Waise, yeah, bilkul. Naina ji, haan, ye sahi hai. Kyun nahi, aap dono jaakar school explore kijiye. Tab tak मैं और राठी जी एक एक और हिमाचल की चाय पीते हैं और बाकी की बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्यों मैम? वर्क्स फॉर मी, लेट्स गो। प्यार से प्यार को क्या हो गया, दिल मेरा ना जाने कहां ये खो गया। प्यार से प्यार को क्या हो गया, दिल मेरा ना जाने कहां ये खो गया। शायद ये तेरा हो गया। लंदन से वापस इंडिया कभी नहीं है? No, I came just once or twice. I was very little then with dad. But this time we plan to do an annual function which will be big. I will surprise my dad. I will make him proud and you gonna help me with that, right? Right? Yeah, sure sir. I'll do my best. Please don't call me sir. I don't like this sir culture. No sir. Sure. This way, sir. वैसे भी कल मुझे विशाल शिमला घुमाने वाला है and probably I'll be done by the afternoon, so we can catch up and we can carry on later. Don't mind, but सॉरी लेकिन आई एम नॉट देयर टुमारो। एक्चुअली चंडीगढ़ जाना है, मुझे नया वाला लैंड लिया है, उसकी क्लाइंट मीटिंग, तो इसलिए आई एम नॉट देयर टुमारो। एंड डोंट माइंड मैन, आई एम गोना नो अबाउट इट। सॉरी बट मुझे भी अभी फोन आया है। सो विशाल चंडीगढ़। तो कोई बात नहीं रोहित जी, नैना ले जाएगी आपको शिमला दिखाने, इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे। आप शिमला भी देख लेंगे और आप नैना से एनुअल फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेना। डोंट माइंड बट
एक्चुअली यस। और नैना जी, आप तो मुझसे बेहतर शिमला घुमा सकती हैं ना? और जैसा मैम ने कहा, दोनों काम हो जाएंगे, वर्क एंड घूमना साथ साथ। डन। पर डोंट माइंड, लेकिन एनी प्रॉब्लम? नो। डन है, सेट, बस। सो कम ऑन टुमारो। टुमारो आई विल बी सेंडिंग माय ड्राइवर, ही विल पिक यू अप। वर्क्स ओके। सो सर, डोंट माइंड, बट टेल मी वन थिंग, आपको अपना स्कूल कैसा लगा? स्कूल वेरी नाइस, बढ़िया ना? और हाँ, और यहाँ के टीचर्स? नहीं, आई मीन थोड़े खड़ूस से नहीं दिखते, स्ट्रिक्ट एकदम। देखा ना अंदर वो कैसी थी। साले, सबके सामने मैं तेरा सर हूँगा, वैसे तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। चल गाड़ी में बैठ। अच्छा सुन, हाँ? तू मेरे को हिमाचल की फेमस वाइन पिलाने वाला था। अरे चलो तो सही, सब कुछ तैयार है। ओके, रिपोर्ट एकदम। कम ना, आ जाओ। आपको शिमला? शिमला इज वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट इट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। और वो फंक्शन की थीम सब? या या, थिंक अप, योर आइडियाज आर ग्रेट एंड एंड या नहीं, वो I had a word with Naina, annual day ke liye. She has some great ideas, and I really think we should work on our ideas. And also, kuch bachchon ke costumes usko banwane hain, so she'll get in touch with you. You call her. Don't mind, ek kaam karna yaar. Tum na, apni planning mein na, kuch aur planning mat ghusa lena. Warna London se na, daddy ki planning aa jayegi, and you will be back to London. Samjha? Don't mind. तो मैं प्रिंसिपल मैम से कह दूं कॉस्ट्यूम्स ऑर्डर करवा देंगे? नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। मैं विशाल को कह दूंगा, वो करवा देगा। अब मैं नहीं चाहता कि स्कूल में से किसी भी तरह डैड को हमारी प्लानिंग के बारे में कोई भी हिंट मिले, यू अंडरस्टैंड राइट? वैसे तुमने विशाल को बता दिया ना? विशाल जी को नहीं तो क्यों? थैंक यू। क्यों, ही डिडंट कॉल यू? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया। You don't mind bina koi kaam ka. Anyway, you text me all the details. Wo, You have my number, right? You don't have my number. Okay, take my number and text me all the details. Yeah, yeah. I'll do that. सुनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। लंदन में रहते हैं तो क्या हुआ, दिल से तो इंडियन ही है ना। रफी साहब से लेकर किशोर दास सबके गाने सुनता हूँ। तो सिर्फ सुनते हैं या कुछ गुनगुनाते भी हैं? सिर्फ गुनगुनाना क्यों है, गाते भी हैं। तो फिर कुछ सुना दीजिए। जी जरूर, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है तू, चांदनी का। थैंक यू, थैंक यू। नैना, 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 I am so sorry, ma'am.
I'm so sorry. I have to barge in like this. I have to be impolite. I have to be rude. But will you please tell me what is wrong with your teacher, Naina? Will you please tell me? Because I can't seem to find out. Every time she sees me, she starts acting weird. She starts acting different and I don't know. I've been calling her. She's not been taking my calls. Ma'am, will you please ask her and tell me what is wrong with her? Because I don't like wasting my time. Very sorry, Rohit ji. No, it's not about appointing another teacher. I want to know why is Naina behaving so unprofessionally? What is wrong with her? Because I can't seem to find her. For God's sake, will you please find out? She must be teaching the kids right here, right? Please call her. Please. Rohit ji, actually, वो आज school भी नहीं आई. मैं खुद कब से try कर रही हूँ. जैसे ही मेरी बात होती है, मैं आपको surely connect कराऊँगी. And once again, I'm very sorry on her behalf. I'm sorry. Don't mind, लड़के. ये तेरा छड़ा भेज गया. अबे मेरे हिस्से की भी पिएगा क्या तू? सुन, बता, क्या हुआ? अब नजरें मत चुरा मुझसे. इधर देख, आंखें दिखा दिखा दिखा. ओहो, दिख गया रे, दिख गया. उसका चेहरा दिख गया. किसका चेहरा दिख गया? डोंट माइंड, अपनी उस टीचर जी का चेहरा दिख रहा तेरी आंखों में. तू साले कुछ भी बोले जा रहा है. तूने ना ज्यादा पी लिए, तुझे चढ़ गई है. डोंट माइंड, देर से तो कम ही पी है. ठीक है, और अब सुन, इधर आना. क्या चल रहा है तेरे दिलो दिमाग में, अब बता. आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं मार दूंगा. बोलना. यार सच बताऊं तो पता नहीं क्यों यार नैना, यू नो राइट, नैना हैज बीन बिहेविंग वियर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हर, बट हर बिहेवियर बॉदर्स मी ब्रो. And surprisingly, it bothers me. I have never felt this before. I don't know what's happening. You know what? Every time I see her, I start feeling things, man. I start feeling happy. Yeah. I also feel a lot of different things, and I can't seem to explain. I can't seem to find out what's happening with me, but I don't know. तुझे ना चढ़ गई है, इसीलिए तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है. देख, सब भूल जा, सब 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 भूल जा. एक चीज पे फोकस रख. जस्ट ऑन वन थिंग. व्हाट इज इट? अपने डैड को सरप्राइज देना, उन्हें खुश करना. वही हम दोनों का सपना है ना. जो काम करने हैं लड़के, वही कर, और कुछ नहीं. बाकी सब बेकार है, समझा? देख, वो तेरा करियर है लंदन में, यहाँ नहीं. शिमला इज नॉट योर करियर यार. ये छोटी मोटी बेकार की चीजें छोड़ दे, भूल जा, कुछ नहीं है. पर मजे कर यार, छोड़. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मिशन, व्हाई यू हियर, दैट्स इट. ब्रो, आई थिंक आई एम इन लव. डोंट माइंड, क्या बोला? आई थिंक आई एम इन लव. डोंट माइंड, सारी उतार दिया. ये ना, तेरे को जो पागलबंदी का सुरूर चढ़ गया ना, सिर्फ इसकी वजह से. ज्यादा पी लिया तूने आज, इसीलिए. ये सुबह जब उतरेगी ना, तो नैना का ना भूत भी उतर जाएगा यहाँ से. फिर बात करियो मेरे से. बड़ा आया, आई एम इन लव. दिमाग से तो उतर जाएगी, लेकिन नैना मेरे दिल से कैसे उतरेगी? Bro, don't mind, but you need a sound sleep. Yep. And now you go to sleep. I'm all okay? Okay. Yeah. Yep. मैं चलता हूँ. छोडूँ या तू चला जाएगा? चला जाऊँगा. पक्का? हाँ. चल. Bye. To brotherhood. ध्यान रख. To Shimla. नैना, नैना तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रही हो? फोन क्यों नहीं उठा रही हूं नैना? नैना स्कूल. हम्म,
नैना 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 व्हाई आर यू पिकिंग अप माय कॉल्स यू आर नॉट रिप्लाइंग टू माय टेक्स्ट व्हाट इज रॉन्ग विद यू नैना व्हाट इज हैपनिंग रोहन रोहित प्लीज जाओ यहां से नैना नैना मैं क्यों चला जाऊं यहां से रोहित प्लीज मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज जस्ट गो नैना नैना व्हाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी व्हाट हैव आई डन एट लीस्ट टेल मी नैना 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 मेरी बात सुनो नैना नैना विल यू लिसन टू मी नैना 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 विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद यू व्हाई यू रनिंग इसलिए तुमसे भाग रही थी नैना मेरी तस्वीर तुम्हारे तुम नहीं हो ये मेरा रोहन है कौन कौन है रोहन नैना कौन रोहन नैना मेरा रोहन जिसने मुझे नई जिंदगी दी आंखें दी मेरा प्यार Listen to me. नहीं मालूम है मुझे कि मेरा चेहरा रोहन से क्यों मिलता लेकिन है ना मेरा एक दिल है जो सिर्फ मेरा है और उसमें ना तुम्हारे लिए बहुत प्यार है नैना है ना आई लव यू रोहित नैना मेरी बात तो सुनो तुम एक बार खुद सोचो मैं क्यों इंडिया आया मैं वहीं आया जहां रोहन पहले से था मैं आकर तुमसे मिलता हूं नैना दिस इज ऑल डेस्टिनी भगवान भी यही चाहता है कि हम दोनों एक हो जाएं नैना मेरी बात सुनो नैना आई जेन्युइनली लिटरली लव यू रोहित प्लीज इस बार नैना मेरी बात सुनो आवर लाइव्स विल बी डिफरेंट रोहित प्लीज मत बोलो ना ये नैना नैना मेरा चेहरा रोहन से मिलता है इसमें मेरी क्या गलती है नैना ट्रस्ट मी आई लव यू माई हार्ट My love, it's pure. Okay. I totally understand. You don't want to talk right now. We'll talk later, but मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा. देखो नैना मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ मेरे लिए तुम मेरी स्टाफ ही नहीं पर मेरी बेटी जैसी हो मुझे रोहन के बारे में पता चला और मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने इतने सालों में मुझे कोई बात नहीं बताई नैना हम बच्चों को वही पढ़ाते हैं जो किताबों में पहले से लिखा होता है फिर बच्चे एग्जाम देते हैं कुछ बच्चे पास हो जाते हैं कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं ठीक इसी तरीके से भगवान ने भी हमारे जीवन की किताब लिखी है ठीक इसी प्रकार हमें भी एग्जाम देना है शायद ये तुम्हारा भी एग्जाम चल रहा है
लेकिन नैना तुमने इस एग्जाम में पास होना है। भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। तुम रोहन को एक बार खो चुकी हो, अब रोहित को मत खोना। अशकों के सिवा कुछ राह नहीं। क्या एक्सीडेंट? व्हाट? नहीं क्यों, कब कब कहाँ कहाँ कहाँ? I mean, ठीक है, ओके, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। किसका एक्सीडेंट? सॉरी, वो आई डोंट नो, वो अननोन नंबर से कॉल था और वो रोहित का पता नहीं एक्सीडेंट, तो सॉरी, मैं अभी मुझे जाना है। नहीं, मैं साथ चलूंगी, प्लीज, मैं चलूंगी, चलिए जल्दी। थोड़ी सी चोट लग गई है। नैना, कह रहा हूँ ना मान जाओ, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही दीवारों में गाड़ी मारता रहूंगा। मिस्टर विशाल, प्लीज मॉम और डैड को कॉल करके ये बता दो कि उनके बेटे ने उनके लिए बहू ढूंढ ली। डोंट माइंड, अभी करता हूँ। एंड बाय द वे, कांग्रेट्स। थैंक यू। आंखों में सुरमा, कानों पे झुमका, नशा चढ़ा है तेरी नजर का। कैसे संभालो ये दिल हो तुझ पे फिदा। रूप है जैसे चांद की चांदनी, जन्नत से आई कोई लगती हो रानी। सपनों में आके रोज नींद मेरी चुरा। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वर वधु को बुलाया जाए। जी पंडित जी, बुलाता हूँ। गणनंत्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियनंत्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधनंत्वा निधपति गुंघवामहे। क्या बात है, हाँ? अच्छा, डोंट माइंड, एक बात बता। करके ही माना तू। और अच्छा, एक चीज और, शादी के बाद लंदन वापस जाना है या फिर शिमला जवाई बनकर रहना है? सारे शिमला जवाई। वो देख, तेरी हीरोइन आ गई। This, we had a word about this, right? We can go through with this, Nana. Come on. I'm sorry. Nana, where is Rohan? Nana, Rohan's gone long back.
We are the present. I told you I love you. I want to spend my life with you. I want to spend my future with you. I want to grow old with you. ये गलत है। रोहन से प्यार करती हूँ। ये आखिर रोहन की वजह से। वो आज भी मेरे यादों में, मेरे दिल में। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना। मैं ये नहीं कर पाऊंगी रोहित। I'm sorry. Please मुझे माफ कर देना। अरे रोक उसे। अरे रोक तो यार। आज उसे मैं तो क्या, वो खुद खुद को भी नहीं रोक पाएगी। सांस आ रही है मगर मर चुके हैं हम भी। सांस आ रही है मगर मर चुके हैं हम भी तेरे इश्क में। न जाने क्या क्या कर चुके हैं हम भी। कौन कहता है कि सच्चा प्यार करने वालों का इश्क मुकम्मल नहीं होता। और अपने प्यार की याद में पूरी जिंदगी गुजार देना भी तो इश्क मुकम्मल करना ही हुआ ना। कितनी बार चेक किया था? 3 से 4 बार। कितनी बार? 3 से 4 बार। Do you think it's a joke? School project है ये। बार बार हिट एंड ट्रायल हो सकता है, गलतियां हो सकती है। That's how you represent the company? Mind. What's wrong with you, Rohit? क्या यार, क्या कर रहा है? क्या सब पे गुस्सा निकालता रहता है? Don't mind, जो तेरे अंदर है ना, सबसे पहले उसे बाहर निकाल। देख यार, don't mind, मुझे पता है कि ये सब भुला देना, ये सब ऐसे मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन नैना को भुलाकर आगे बढ़, अपने लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए यार, कम ऑन। आसान नहीं है मेरे लिए। और रोज सुबह उठकर अपने आप से एक ही वादा करता हूं कि उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। लेकिन जितना भी कोशिश कर लूं, नहीं भुला पा रहा हूं मैं उसे। याद आती है यार वो, याद आती है उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसका मुझसे बात करना। मैं क्या करूं विशाल? बस कर यार। रोहित देख, थोड़ा समय दे यार, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी।
ऐसा भी नहीं है कि मैंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए आसान नहीं है। ए मेरे भाई, सुन यार, डोंट माइंड मेरे भाई। अरे बोला ना, वक्त सब सही करेगा, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट माइंड, चल अब अपनी बढ़िया वाली एस्प्रेसो मिला, चल। और ये मूड वूड सब सही कर, एवरीथिंग इज फाइन, और ऑफिस है, ठीक है, कम, चलो चल, चला चेयर। मुझे माफ कर देना रोहित, शायद मैंने तुम्हारे साथ चुप किया वो गलत था, मगर मुझे आज भी यकीन है कि रोहन मेरे आसपास ही है। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए, बहुत हेक्टिक हो गया था यार। देखो नैना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, पर तुम्हें इन सब से बाहर आना होगा। तुम्हें काम क्यों नहीं करती, कुछ दिन के लिए छुट्टियों में चली जाओ यहाँ से कहीं दूर, और फिर से पुरानी नैना को ढूंढने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता इतना लंबा सफर तय करने की अब हिम्मत है मुझ में। रोहन के जाने के बाद ना मेरी हंसी खुशी सब कुछ जिंदगी के अंधेरे में जैसे गुम हो गया। मैंने कोशिश की थी सबसे बाहर आने की, बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना, इंतजार लंबा हो तो चलता है, लेकिन इंतजार एक तरफा होना तो बहुत चुभता है। ऐसा मत सोचो नैना, तुम एक म्यूजिक टीचर हो, और पता है ना, म्यूजिक हील्स एवरीथिंग। शायद तुम सही कह रही हो, म्यूजिक हील्स एवरीथिंग। क्या पता म्यूजिक ही मेरी जिंदगी के इस अंधेरे से बाहर आने में मेरी मदद कर पाए, और वो खुशियां मुझे फिर से दिखा पाए जो आंखें होने के बाद भी मैं नहीं देख पा रही। अच्छा सुनो मेरी बात, वैसे भी कल से स्कूल में छुट्टियां पड़ रही है, तुम ऐसे उदास होकर घर पे रहोगी तो बीमार हो जाओगी। तुम एक काम करो, हमारे गाँव होकर आओ, वहाँ कुछ दिन रहोगी तो ठीक हो जाओगी। वैसे भी वहाँ मेरी एक फ्रेंड है जो एक म्यूजिक टीचर ढूंढ रही है, इस बहाने तुम्हारी टीचिंग भी हो जाएगी एंड यू विल फाइंड सम चेंज। तरसती है ये मेरी आंखें एक बार तो सामने। भैया कुनिहार चलेंगे? कस के अपने बाहों में मुझे तुम साथ में अपने ले जाओ। झूठा झूठा लगे ये सारा जहां, मुझको तेरे बिना नहीं जीना। अब नमस्ते जी। नमस्ते, मेरी एक फ्रेंड कोमल, आपने बात की होगी म्यूजिक टीचर के लिए? ओह अच्छा, तो आप नैना है जी? आइए प्लीज बैठिए जी, आइए। मेरा नाम रीना है, रीना मेहता। नैना आई मम्मा, और ये है मेरी डॉटर नैना। हेलो मैम। हाय, आपका नाम नैना है? आपको पता है मेरा नाम भी नैना है। यू आर सो क्यूट। थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच इतनी दूर आने के लिए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों थैंक यू कह रही हैं? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, शायद इसी बहाने मेरे लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाए।
अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? देर हो रही है ना क्लास के लिए? चलो टीचर प्लीज, आप मम्मा के साथ थोड़ी देर बैठ जाओगे? मुझे अपने फ्रेंड से भी मिलने जाना है और आज मैं उठने में भी लेट हो गई हूँ। प्लीज टीचर, वो मेरा वेट कर रहा होगा। प्लीज टीचर, प्लीज टीचर, प्लीज। ओके बाबा, थैंक यू मैम, लेकिन जल्दी आ जाना और टीचर को ज्यादा वेट मत करवाना। ओके ओके मम्मा। नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ फ्रेंड से मिलकर आओ। थैंक यू मैम, बाय मम्मा, बाय मैम, बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आज गई नहीं आप अपने फ्रेंड से मिलने? आज तो सुबह के ही मिल के आ गई। सुबह ही? हमेशा जाते हो फ्रेंड से मिलने। और क्या, किचन में घुसकर मेरे सर पर खड़े होकर उसके लिए कुछ ना कुछ बनवाती रहती है और आज उसके लिए सैंडविचेस बनवाए। अरे वाह, फिर तो बहुत स्पेशल है ये फ्रेंड, आपके स्कूल में है। मैम वो इतना बड़ा हो के स्कूल जाएगा क्या? बड़ा? एक्चुअली वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आया है और नैना से बड़ी अटैचमेंट हो गई है उसकी और नैना भी उसका बहुत ख्याल रखती है। रखना पड़ता है मम्मा, ही इज सो केयरलेस, सब कुछ इधर उधर करके रखते हैं और फिर तोड़ देते हैं। मैम मैम, आप उसको भी म्यूजिक सिखाओगी? आप मेरे फ्रेंड हो ना, और वो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड तो फ्रेंड हुआ, तो सिखा दूंगी। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। तो फिर कल आप मेरे साथ चलोगे? हाँ चलूंगी। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अरे मैम को कहाँ ले जाओगे साथ में? कोई बात नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। अब खुश? बहुत खुश। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। मैम जल्दी आइए ना। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, बस यहाँ पे ही है। तो ये है वो जगह? हाँ यहाँ पे ही रहता है मेरा फ्रेंड। हाँ मैम जल्दी आइए। मैम वो देखिए, वो है मेरा फ्रेंड। अच्छा वो? तो आ गई आप? आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ? क्योंकि मेरी क्यूट नैना मैडम, आपका जो परफ्यूम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो क्या दूर दूर के पहाड़ों तक को पता चल जाता है कि आप आ गई, और वो मुझे बता देते हैं। आप तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं, अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे ना तो रेट तक पता लग जाएगा कि आप आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। ओफो कितनी बार बताऊं, ये कोई परफ्यूम नहीं है, मम्मा पता नहीं कौन सा सुबह सुबह तेल लगा के रखा हुआ है, उसी की महक है ये। दादी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नैना तुम? नैना ये आंखें रोहन की हैं, उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम उसकी आंखों से दुनिया को देखो, प्लीज संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ मैं वो मेरा एक पेशेंट है, मैं उसके रूटीन चेकअप के लिए अक्सर यहाँ आता हूँ। प्लीज अर्जेंट है। हेलो दादी, मिल गई दवाई? हाँ पर आपकी दवाइयाँ, अब ध्यान रखिएगा, मैं आराम से आपको फोन करती हूँ। अरे आपको पता है क्या? आज मेरे साथ मेरी म्यूजिक टीचर भी आई है। अच्छा चलो गेस करो उनका नाम क्या है। क्या नाम है? नैना। नैना म्यूजिक टीचर? हाँ। कहाँ है वो? अरे यहाँ पे तो थी अभी। क्या हुआ? शायद वो वापस घर चले गए। वापस चले गए? आपने तो मुझे कभी पहले नहीं बताया कि आपकी कोई म्यूजिक टीचर है। कैसे बताती, अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, पता है वो भी शिमला से।
शिमला से? मम्मा ने उनको स्पेशली बुलाया है शिमला से। उफो, कितने क्वेश्चंस पूछते हो, मेरे क्वेश्चन का तो आंसर देते नहीं हो तुम। अरे मेरी लिटिल प्रिंसेस आज टीचर बनी हुई है, हाँ, और क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो आज मेरी लिटिल प्रिंसेस टीचर बनकर क्वेश्चंस पूछेगी और उनका स्टूडेंट उनको जवाब देगा। गुड बॉय। तो चलो अब ये बताओ, तुम्हारी आंखें कहाँ गई? मेरी आंखें कहाँ गई? मेरी आंखें यही तो है। अगर यही है तो फिर आप देख क्यों नहीं पाते? किसने कहा मैं नहीं दिख सकता, सब कुछ तो दिखाई देता है मुझे। अच्छा बताओ, ऊपर ब्लू स्काई है, नीचे जमीन है, हमारे आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पहाड़ हैं, राइट? और मेरे बगल में मेरी क्यूट सी प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस एंजल बैठी हुई है। स्मार्ट आंसर, बहुत चालू हो आप। अब प्लीज कृपा करके मेरे को बता दो। क्या बताना है? मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स। कौन सा क्वेश्चन? उफ, कुछ मत बताओ, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे अरे अरे, एक सेकंड, मेरी प्रिंसेस तो नाराज ही हो गई। हाँ हो गई, और कल लाऊंगी भी नहीं। अगर मेरी एंजल कल से आएगी नहीं, मुझसे मिलेगी नहीं, तो मुझे मेरे टेस्टी डिलिशियस चीज सैंडविचेस कैसे मिलेंगे? तो फिर बता दो ना। अच्छा ठीक है, तो नैना, जो गॉड जी होते हैं ना, उनके पास एक किताब होती है और उस किताब में वो स्टोरीज लिखते हैं। स्टोरीज? कैसी स्टोरीज? आपकी स्टोरीज, मेरी स्टोरी, हम सबकी स्टोरीज, हम सबकी स्टोरीज लिखते हैं गॉड जी। और उस स्टोरी में भगवान जी ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया। रोल? कैसा रोल? एक राजकुमारी का ध्यान रखने का रोल, एक राजकुमारी को खुश रखने का रोल। एक राजकुमारी को हंसाने का रोल। तो आपने क्या किया? मैंने क्या किया? भगवान जी की जो स्टोरी थी ना, उस स्टोरी में राजकुमारी जो थी वो देख नहीं सकती थी, तो गॉड जी ने मुझे ऑर्डर किया कि मैं जाऊं और अपनी आंखें उस राजकुमारी को दे दूं। और आपको पता है फिर क्या हुआ? आंखें मिलने के बाद उस राजकुमारी ने सारा का सारा खूबसूरत शिमला देखा, सारी की सारी खूबसूरत दुनिया देखी, उसकी जिंदगी में खूबसूरती और रौनक वापस से लौटाए। और उसके बाद गॉड जी ने मुझे ऑर्डर किया कि मैं जाकर इस एंजल के पास आ जाऊं यहां। उस राजकुमारी का नाम क्या था? उस राजकुमारी का नाम नैना। नैना, म्यूजिशियन मैडम। वाओ, उसका भी नाम नैना था? हाँ, उसका भी नाम नैना था। ओ नो। क्या हुआ? मेरे को जाना पड़ेगा वरना मम्मी से डांट पड़ने वाली है। हाँ जाना तो पड़ेगा। सैंडविच पूरा खा लेना, ओके? बाय। और आप ध्यान से जाना और सीधा घर जाना। खा लूंगा, बाय।
So, all set for Delhi's conference? Delhi. Don't mind. तुझे बताया था ना, we have a meeting Delhi में. तुम्हारे पापा नहीं जा पाएंगे तो हमको जाना है संभालने. We have to go to India. मैं दिल्ली नहीं जा रहा. क्या मतलब? अरे सब कुछ प्लान हो गया, everything is scheduled. विशाल जेल. भाई जा रहे हैं. And you know, he is the best. He'll figure. You mean Arjun? He's going. Well, that's good. But don't mind, मेरे भाई, तू भी चलता ना साथ. विशाल, तू मेरे इंडिया ना जाने की वजह अच्छी तरह से जानता है. नहीं जाना है मुझे दिल्ली. अर्जुन भाई हैं, he's the best, and he'll figure. I mean, don't mind. You sure? विशाल, I have a very important Zoom meeting. Yes, sir. I'll leave. Sorry. नमस्ते. नमस्ते. आओ. नैना देखो कौन आया. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. आप कहाँ चली गई थी कल? वो मुझे ना बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा. पर मिलवाना भी तो था आपको. कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मिलूंगी, पक्का. मम्मा देखो ना, मैम तो मिल ही नहीं पाए रोहन भैया से. रोहन. ये क्या कहा उसने अभी? रोहन? हाँ रोहन, वही उसका दोस्त. अब बेचारा देख नहीं सकता. डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ मैं वो मेरा एक पेशेंट है, मैं उसके रूटीन चेकअप के लिए अक्सर यहाँ आता हूँ. ये आप अपने फ्रेंड रोहन को कब से जानती है? यही कुछ महीनों से. वो हमें ऊपर मोनेस्ट्री में मिला था और वहीं पर रहता भी है. सकते क्या? नहीं, उनकी आंखें नहीं है. उन्होंने अपनी आंखें किसी को दे दी. दे दी? किसको दे दी? एक राजकुमारी को, और वो राजकुमारी देख नहीं सकती थी. और भगवान की स्टोरी में रोहन भैया ने अपनी आंखें उस राजकुमारी को दे दी. और पता है उस राजकुमारी का नाम भी नैना था. कौन?
कौन पूछ रहे हो? बताओ मैं कौन हूँ? रोहन, मैं वो हूँ जिसका हक ना तुम पर तुमसे कहीं ज्यादा था। मैं वो हूँ जो आज तक सांस तो ले रही थी लेकिन जिंदा नहीं थी। तुम मुझे छोड़कर चले गए। किसने हक दिया तुम्हें मुझे छोड़ने का? हाँ रोहन, आज ना मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्यों गए थे मुझे छोड़कर? इतना कमजोर प्यार था क्या हमारा? हाँ क्यों गए थे? तो क्या करता नैना, बोझ बन जाता मैं तुम पर? बोझ? तुम जानते हो बोझ किसे कहते हैं? बोझ क्या होता है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। बोझ वो है जो तुम्हारी जुदाई ने मुझे दिया। बोझ वो है जो तुम्हारे जाने के बाद हर दिन हर पल हर सेकंड वो अकेलेपन का बोझ मैंने सहा है। रोहन, तुम जानते हो मैं आज जिंदा हूं ना, ये तुम्हें छूकर महसूस हो रहा है। आंखों के ऑपरेशन के बाद मैं सबसे पहले सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी रोहन, लेकिन तुम चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया मेरा? हाँ तुम्हारा कभी दिल नहीं किया कि एक बार मुझसे आकर मिलो, मुझे सारा सच बताओ, या फिर प्यार से मुझे नैना म्यूजिशियन मैडम कहकर बुलाओ? तुम्हारा कभी दिल नहीं किया? रोहन, मुझे सूरज दिखाकर खुद अमावस के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गए। क्यों किया ऐसा रोहन? क्यों रोहन क्यों? इस दिल में धड़कन थी, ये आज पता चला। जब मेरे यार को मेरा हाल पता चला। रोहन दे दिया ना सहारा नैना, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी दूर चला आया था नैना। सहारा तुम्हें नहीं दे रही हूँ, खुद को दे रही हूँ। तुम्हारा साथ मेरे जीने का सहारा है। तुम्हें पता है तुम ना बहुत बहुत मतलबी हो, बहुत मतलबी हो तुम। सिर्फ अपने बारे में सोचा ना तुमने, मेरा ख्याल नहीं आया। सिर्फ एक तरफा प्यार के बारे में सोचा, मुझे वहां अकेला छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है मेरी हालत क्या थी जब मुझे पता चला कि तुम सोच भी सकते हो? तुम बहुत बुरे हो, तुमने ना बहुत रुलाया मुझे रोहन। प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम प्लीज मेरे साथ चलो, बस बस चुपचाप मेरे साथ चलो। ये नहीं हो सकता है नैना। रोहन और नैना की कहानी ऐसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती नैना। रोहन और नैना की कहानी कैसी होगी और कैसी नहीं, ये ना तो तुम तय करोगे ना मैं। ये ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दिया है और अब उस सच को कोई नहीं बदल सकता रोहन, तुम भी नहीं। चलो मेरे साथ। दिल भी मेरा खोने
को थाम के मेरे दिल की राहों में जो तुम आ गए मेरे लिए आए जग ये सारे छोड़ के आए मेरे लिए सारे बंधन तोड़ के मेरे लिए आए जग ये सारे छोड़ के आए मेरे लिए सारे बंधन तोड़ के की जिंदगी में रंग रौनक खुशियां भी लौट कर वापस आई हैं। मैं उसकी जिंदगी में दोबारा वापस आकर उससे ये सब छीन नहीं सकता। नहीं नैना, ये नहीं हो पाएगा नैना। रोहन, ये नहीं हो पाएगा नैना, सोच कर देखो, ये नहीं हो पाएगा। तुम कब तक मुझे संभालती रहोगी नैना? मैं कब तक गिरता रहूंगा, कब तक तुम पर बोझ बनता रहूंगा नैना? जो रंग, जो खूबसूरती, जो रौनक, जो खुशबू तुम्हारी जिंदगी में वापस आए, वो मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूँ? रोहन प्लीज प्लीज बस करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज जहाँ खड़े हो ना रोहन, कल मैं भी वही खड़ी थी, तो क्या तुमने मुझे छोड़ा? हाँ, मेरा हाथ पकड़ के ना 24 घंटे मेरे साथ रहते थे, आगे पीछे घूमते थे मेरे। तुमने तो मुझे 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा। तुम चाहते हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं? तुमने मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा रोहन, मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ दूं? नैना प्रैक्टिकली सोचो नैना, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे बाकी रहेगी, ये मेरा क्या है नैना? मैं अभी जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, मैं कल को कहीं और रहूंगा नैना, लेकिन एक पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बाकी रह गई है। तुम अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, तुम्हें जाना होगा नैना। प्रैक्टिकली सोचो नैना, ये नहीं हो पाएगा ना। प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो ना रोहन, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो ना? आज तक इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इनके सामने खड़े हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? रोहन प्यार में कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता, रोहन प्यार तो जीने मरने से बहुत ऊपर है ना। तुम्हारा साथ निभाने की बात है तो मैं इस जन्म में तो क्या रोहन, अगले 7 जन्मों में हंसते हंसते तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और तुम्हें सहारा नहीं दे रही हो रोहन, सहारा खुद को दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा साथ ना मेरे जीने का सहारा है। प्लीज इसे मुझसे मत छीनो रोहन। लब तुम हो, बात मैं हूं, अगर तुम हो तो ही मैं हूं।
नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, कभी नहीं। चले तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा साथ ही काफी है। आई होप द प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू यू गाइज। वी हैव इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स टू केटर, एंड ऑल्सो वी हैव अ डेडलाइन। आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज नाउ, राइट? रोहित, यू ओके? यार विशाल, ऐसा लगा जैसे मेरी कोई करीबी चीज मुझसे दूर चली गई। करीबी चीज? डोंट माइंड तू फिर उन वादियों और पहाड़ों में। अच्छा ओके फाइन फाइन। तो वो नई इंटर्न से मिलवाने वाला था काम? हाँ, शी मस्ट बी ऑन हर वे।